नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां अगले 2-3 माह तक लगातार पड़ने वाले त्योहारों को लेकर के गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। इसको लेकर एसएसपी ने तिवारीपुर थाना परिसर में आज बैठक बुलाई। इस बैठक में संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की गई। एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, अगर कहीं कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में आज आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पीस कमेटी व आयोजनकर्ता उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी यहाँ पर एक बैठक की गई है। विशेष रूप से नवरात्रि का त्यौहार, दुर्गा पूजा का त्यौहार, रामलीला, विजयदशमी, बारह वफाद, भरत मिलाप के जो आयोजन आने वाले दिनों में होने हैं उसके संबंध में काफ़ी चर्चा यहाँ पर की गई है। जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो शासन द्वारा पारित किए गए निर्देश हैं। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंच से विवादित बयान दिया है। दरअसल सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को 10 नंबरी कहा है। बता दें कि वो अडानी की बढ़ती संपत्ति पर मंच से बोल रहे थे। उसी दौरान संजय सिंह ने कहना शुरू किया कि अडानी अब 2 नंबरी अमीर हो गए हैं, जब बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई संरक्षण देने वाला बाप है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। आज क्या नारा है नरेंद्र मोदी का, अभी 4 दिन पहले अखबार में छपा, अडानी दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। 2 नंबरी अमीर, दूसरे नंबर तो क्या खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने अध्यक्षता में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान 2022 की तैयारी से संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की। वहीं डीएम ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में साफ सफाई रखें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर लोगों को घर घर जाकर संचारी रोग से बचाव हेतु जागरूक करें। खबर श्रावस्ती से है, जहां नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल फर्जी तरीके से शिक्षक बने युवक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज से शिक्षक बन कार्य कर रहा सिया राम चौधरी के विरुद्ध कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज से सपा विधायक सैयदा खातून को 1 दिन के लिए विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद पहली बार डुमरियागंज आगमन पर सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक ने कहा कि मैं आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगी और मैंने भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव में दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को विधानसभा में उठाया है और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की बात भी कही है। सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये मौका मुझे दिया और मैंने जो आवाज़ उठाई है डुमरियागंज की सारी सच्चाई है। और मैंने जो पहले दिन आवाज़ उठाई थी भवानीगंज का, जब स्पीकर साहब ने कहा कि आप अपने यहाँ का कोई बात बताइए, तो मैंने बताया कि जो भवानीगंज में करीब 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी जबकि कलमबंद बयान भी हो चुका था लड़की का, जो गैंग रेप हुआ है धर्मपुर धौरारा की एक लड़की है, दलित लड़की, उसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन महीनों बीत गए थे, उसको जो मुजरिम थे उसको जेल नहीं भेजा गया था, इसलिए मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई। और भी जो जब मुझे और मौका मिला बात करने का, तब भी मैंने अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को कहा। खबर मुरादाबाद से है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारी बन आज 2 लोगों ने कोतवाली
मुगलपुरा इलाके में कई दुकानों की जांच पड़ताल की। वहीं जांच के नाम पर वसूली करने का मामला भी बताया जा रहा है, जहां एक दुकानदार को डरा धमका कर 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।